पोको एम टू प्रो या फिर आप रेडमी नोट 9 प्रो बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ही फोन में एक्जैक्टली सेम कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी वीडियोग्राफी के बारे में बात करने वाला हूँ, वीडियो क्वालिटी कैसे मिलने वाली है, इसका मेन कैमरा जो है उससे, इसका वाइड एंगल से, फ्रंट कैमरा से, इसका स्लो मोशन वीडियो कैसे मिलती है 960fps, 120fps, 240fps। तो यहाँ पर मैं इसकी वीडियो के कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो रेडमी नोट 8 प्रो के साथ में। तो यहाँ पर इसकी मैंने फोटो का कंपेरिजन वीडियो अलग से बना रखी, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में है हमारा Redmi Note 9 Pro, बीच में है Redmi Note 8 Pro और राइट में है हमारा Redmi Note 9 Pro या फिर Poco M2 Pro। एक्जैक्टली जो यूज़ करा है मैंने वो Poco M2 Pro यूज़ करा है। तो आप देख सकते हैं बैक कैमरे की क्वालिटी डे लाइट में, नेचुरल लाइट में, तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो Redmi Note 8 Pro में ओवर शार्प्ड वीडियोज़ आती है यार काफ़ी ज़्यादा, और इसकी स्क्रीन भी ओवर शार्प्ड प्रोड्यूस करती है वीडियो। तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी तो तीनों में ही सेम है, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी एक्जैक्टली वैसे सी सेम सी लग रही है, सिमिलर सी, लेकिन Redmi Note 8 Pro में काफ़ी ओवर शार्प्ड हमें वीडियो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पोको एम टू प्रो की मुझे वीडियोग्राफी अच्छी देखने को लग रही है, इंडोर में देखेंगे तो भाई साहब पूरा ही चेंज हो जाएगा। रेडमी नोट 8 प्रो टट्टी वीडियो बना रहा है सच में, मतलब सॉरी यार ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो रेडमी नोट 7 प्रो में सोनी का सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी कमाल की फोटोग्राफी हमें दे रहा है, जो कि 586 है सोनी IMX 586। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियोग्राफी, शार्पनेस आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो तो भाई साहब गैस में GW1 देखने को मिलता है, और जबकि हमें GM2 देखने को मिलता है पोको M2 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro में। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमारा इंडोर में पोको M2 Pro है, फर्स्ट नंबर पर Redmi Note 9 Pro, आउटडोर में फिर से आए तो यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर पोको M2 Pro Redmi Note 9 Pro। तो ओवरऑल मुझे वीडियोग्राफी जो है वो Redmi Note 9 Pro की अच्छी लगी, सेकंड नंबर पर पोको M2 Pro की, थर्ड नंबर पर Redmi Note 8 Pro की वीडियोग्राफी अच्छी लगी है। तो फिलहाल ये था हमारा बैक कैमरे का सैंपल, मैंने डे लाइट और इंडोर लाइटनिंग में बता दिया। इंडोर में बिल्कुल लाइट नहीं थी, जो मैंने दिखा था वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, बाहर से दिख रही थी। अभी वाइड एंगल का सैंपल दिखा रहा हूं, ऐसा लग रहा है ड्रोन शॉट ले रहा है। तो यहां पर भी हमें स्टेबलाइजेशन वाइड एंगल वीडियोग्राफी में देखने को मिलती है। मैं काफी ज्यादा भाग रहा हूं, आपको दिख रहा होगा काफी जल्दी जल्दी वीडियो मूव हो रही है, तो यहां पर मैं भाग रहा हूं और स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं। तो वाइड एंगल भाई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी रेडमी नोट 9 प्रो या फिर पोको एम2 प्रो बोल सकते हो, इसका कैमरा काफी लाजवाब है। रेडमी नोट 8 प्रो तो इसके पास पास तक नहीं, आप देख सकते हो अंधेरे में आप चेक कर सकते हो कितनी बेकार वीडियो रिकॉर्ड करी थी रेडमी नोट 8 प्रो में। तो वाइड एंगल भाई किसी भी कंडीशन में ले जाओ पोको M2 Pro ही जीत रहा है। अब फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन की बात करूं तो यहां पर 13 मेगापिक्सल हमें Redmi Note 9 Pro में, Redmi Note 8 Pro में 20 मेगापिक्सल, और पोको M2 Pro में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। आप कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं, वैसे तो सिमिलर सी लग रही है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मुझे पोको M2 Pro की वीडियो काफी अच्छी लग रही है। तो ये फिलहाल हमारी आउटडोर की है लाइटनिंग में। मेरा फेस को इग्नोर करना, मैं नहाया हुआ भी नहीं हूं तो यार इसको इग्नोर करना, बाल वगैरह भी सेट नहीं करे। तो यहां पर मैं जाता हूं अंधेरे में, गुस्सा भी कर रहा हूं, मतलब यार फेस को इग्नोर करना, वीडियोग्राफी को देखो। तो यहाँ पर इंडोर में आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारी येलोश यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है पोको M2 Pro, पहला अपडेट है तो शायद इसलिए होगा, फ्यूचर में शायद इंप्रूव हो सकता है, लेकिन वीडियो क्वालिटी ओवरऑल मुझे पोको M2 Pro की अच्छी लग रही है। Redmi Note 7 Pro थर्ड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर हमारा Redmi Note 8 Pro है। तो ओवरऑल यार फ्रंट कैमरे की वीडियोग्राफी में हम मुझे पोको M2 Pro या फिर इसको Redmi Note 9 Pro बोल सकते हो वो अच्छा लगा है। स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरे में नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक पोको M2 Pro में मुझे स्टेबलाइज्ड वीडियो लग रही है, पता नहीं क्यों हल्की सी मुझे स्टेबलाइज्ड दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बाकी में स्टेबलाइजेशन नहीं है। वैसे ऑफिशियली तो तीनों में ही आपको फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है। तो फ्रंट कैमरा ओवरऑल मुझे Redmi Note 9 Pro या फिर पोको M2 Pro बोल सकते हो। ये है हमारी 960fps की वीडियो रिकॉर्डिंग। Redmi Note 8 Pro में देखो कितना ज़्यादा जूम हो रहा है, और यहाँ पर हमारा पोको M2 Pro में बिल्कुल भी जूम नहीं हो रहा, और Redmi Note 8 Pro में वीडियो क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है, पता नहीं मच्छर से जैसे जियो फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ऐसी हो जाती है। लेकिन यार सच में 960fps की वीडियो क्वालिटी जो है वो पोको M2 Pro भाई साहब बहुत गजब, इसमें आपको स्लो मोशन में वीडियोग्राफी देखने को मिलता है, वो भी 960fps में। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इससे आगे मैंने 120fps और 240fps में भी रिकॉर्ड करी है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर में प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये प्ले नहीं होती है, मतलब नॉर्मली लेंथ पर प्ले होती है, इसको एडिट करना पड़ता है स्मार्टफोन में। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी स्लो मोशन की लेंथ नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरह का है, यहाँ पर 960fps है इसका, और 240fps में थोड़ा सा जूम देखने को मिलता है मैं Redmi Note 8 Pro में, लेकिन यहाँ पर इसका Poco M2 Pro में बिल्कुल भी जूम नहीं होता, 120fps और 240 पे हल्का सा 960fps पे हो जाता है, लेकिन ओवरऑल 120fps 240fps इन शॉर्ट यार इसमें आपको
जो आपकी स्लो मोशन वीडियो होती है वो Redmi Note 9 Pro बोल सकते हो, या फिर Poco M2 Pro में लाजवाब वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन भाई साहब, अगर आपको बनाना है स्लो मो वीडियोस बनानी है तो Poco M2 Pro या फिर आप इसको Redmi Note 9 Pro ले सकते हो, क्योंकि दोनों का ही सेम कैमरा है, तो कोई सा भी ले सकते हो, बेस्ट वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यार कैमरा क्वालिटी जो है, इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो Poco M2 Pro बेस्ट है, आप ले सकते हो। और बाकी यहाँ पर आपको वीडियोस दिख रही होगी, इसके मैंने कैमरा कंपैरिजन बना रखा, अनबॉक्सिंग और पबजी की वीडियो भी आने वाली है इसकी, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली दिखने वाली है। और यहाँ पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसका कैमरा कंपैरिजन वीडियो दिख रहा है ये भी देख लेना, फोटोग्राफी में भी यहाँ पर कुछ और ही चक्कर होने वाला है।